हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको गले के बैठ जाने पर कौन से घरेलू उपायों को इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, सर्दी जुकाम के कारण यदि गला बैठ गया हो तो रात में सोते समय 4-5 काली मिर्च बताशे के साथ चबाकर सो जाएं। इससे स्वर भंग, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, इससे गला भी तत्काल खुल जाता है। इसके अलावा यदि अगर आपने कभी गर्म वस्तु के सेवन के पश्चात ठंडा खा लेने पर अक्सर गला बैठ जाता है, तो ऐसे में 1 ग्राम मूल हड्डी के चूर्ण को मुंह में रखकर कुछ देर चबाते रहें, फिर वैसे ही मुंह में रखकर आप इसे सो जाएं। प्रातःकाल उठने पर गला आपको एकदम साफ मिलेगा। मूल हड्डी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर दांतों से चबाकर चूसते रहें, इससे गला खुलने के साथ साथ गले का दर्द आदि भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये नुस्खा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको गले में दर्द हो तो मूल हड्डी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर दांतों से चबाकर चूसते रहें, इससे गला खुलने के साथ साथ आपके गले का दर्द आदि भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको गले के बैठ जाने पर किन नुस्खों का इस्तेमाल करना है इसके बारे में कुछ खास जानकारी बताई। दोस्तों, ये सभी नुस्खे आजमाए हुए हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।